सीजन 3 में क्या कर रहे हैं इजाज़ खान? बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन तकलीफ ये है कि मैं बता नहीं सकता। आप फर्स्ट सीजन के फर्स्ट शॉट से आपको पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली वही सरप्राइज एलिमेंट है। ये बता सकता हूँ कि सीज़न 1 में मैं वसीम खान वॉज ट्राइंग टू कम बैक टू फॉर्म अ ग्लोरी। वो अपनी ऊंचाइयों को वापस छूना चाहता था लेकिन उसे ये पता लग गया कि पावर स्ट्रक्चर में वो सिर्फ एक प्यादा है और कठपुतली है और उस जो स्ट्रिंग्स है उसकी वो पॉलिटिशियंस के पास है, तो वो पॉलिटिक्स में भर्ती होने की कोशिश की। सेकेंड सीज़न में ही एक्सप्लोर था कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सेकेंड सीजन के एंड में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसे पता चलता है कि पावर के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो थर्ड सीज़न में आप देखेंगे वसीम खान के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में अब क्या समझ रखता है और उससे क्या डिसीजन लेता है। हैविंग सेड दैट, सेकेंड सीज़न में आपने देखा कि पूर्णिमा गायकवाड़ अमेराव गायकवाड़ के साथ कैसे वो आमने सामने आ रही हैं और उनका पावर स्ट्रगल देखा। थर्ड सीज़न में आप ये देखेंगे कि गायकवाड़ को एक दूसरे से ही नहीं बाहर से भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उस इक्वेशन में मैं कहाँ फिट होता हूँ ये भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपका टीवी का इतना जाना माना नाम, मतलब घर में इतने, मतलब यू आर सो फेवरेट इन टीवी इंडस्ट्री, तो ऑल ऑफ अ सडन आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो क्या कर रहे थे उस दौरान और क्यों ब्रेक लिया? थक गया था मैं एक्टिंग कर करके, वैसी जिंदगी जी के। आई थिंक आई नीडेड अ पर्सनल ब्रेक टू रिफ्रेश माय सेल्फ और ये समझने के लिए मुझे क्या करना है। मुझे और अच्छे लोगों के साथ काम करना था, मुझे ज़्यादा क्वालिटी वर्क करना था और OTT प्लेटफॉर्म्स पे मुझे वो बेहतरीन मौका मिल भी रहा है। बट आई एम नॉट पुटिंग टीवी डाउन। अभी भी मेरे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर दोस्त हैं जो बहुत अच्छे शोज़ बना रहे हैं और मैं कुछ करने वाला था रिसेंटली लेकिन दैट डिडंट वर्क आउट। तो अगर मुझे मौका मिलेगा वापस मैं टीवी पे जाके कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपने रियलिटी शो भी किया है नहीं? जी हाँ, बिग बॉस। ओके, तो हाउ डू यू सी लुकिंग बैक? मतलब आपके टाइम थोड़ा सोबर था, देख सकता था। नाउ इज गेटिंग सो डबल इन्वर्टेड कॉमा, सो व्हाट इज दैट योर ऑडियंस, यू एज एन ऑडियंस का रिएक्शन? एंड ऑफ द डे देखिए, अगर ऑडियंस रिस्पॉन्ड करती है अच्छी तरीके से तो हर एक प्रोड्यूसर पैसा कमाने की कोशिश करता है। बराबर, ऑडियंस रिस्पॉन्ड करती है पॉजिटिवली तो उस डायरेक्शन में नहीं आ जाती है, नहीं करती उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो आई थिंक द ऑडियंस हैज टू चेक देमसेल्व्स कि वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन द फिल्म, फिल्म में क्या हो रहा है आपका, फिल्मों में कुछ कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं फिल्में कर रहा हूँ लेकिन तीनों फिल्मों का NDA साइन कर चुका हूँ मैं। ओके, नहीं बता सकता उनके बारे में बिकॉज हर एक फिल्म का भी एक PR पैकेज होता है। जिस तरीके से वो लोग प्रमोट करते हैं फिल्मों को, तो हम प्रमोशंस के पहले उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जस्ट वे सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में मैं पहले बात नहीं कर सकता था। सिटी ऑफ ड्रीम्स, टॉक अबाउट इट व्हेन आई गेट द चांस। श्योर, सो सिटी ऑफ ड्रीम के बाद में आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद, हाँ, इसके बाद में और कुछ कर रहे हो? जी हाँ, मैं इसके बाद भोपाल जा रहा हूँ एक फिल्म शूट करने के लिए। उधर से बॉम्बे नहीं आ रहा हूँ, उधर से डायरेक्टली किर्गिस्तान जा रहा हूँ दूसरी फिल्म शूट करने के लिए। ओके, तो वो फिल्म खत्म करके फिर बॉम्बे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। गुड।